अस्सलामुअलैकुम। कराची में होलनाक हादसे पर फिजा सोगवार। क्लिफ्टन में तेज रफ्तार मिनी बस की टक्कर से बहन भाई जा भाग। एक ही घर से दो लाशें उठने पर कोहराम मच गया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में जियाउद्दीन अस्पताल के करीब मदरसे जाते हुए नौजवान बहन भाई ट्रैफिक हादसे में जाबहक हो गए। SHO बोर्ड बेसन इंस्पेक्टर नसीर तनुली के मुताबिक शीरी जीना कॉलोनी का रिहायशी अब्दुल अजीज अपने बच्चे और पड़ोसी आदिल की बेटी और बेटे को मोटरसाइकिल पर लेकर देहली कॉलोनी में वाकई मदरसे जा रहा था कि तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 11 साल हुजैफा आदिल और उसकी बड़ी बहन 18 साल बुशरा आदिल जाबहक हो गए, जबकि अब्दुल अजीज और उसका बच्चा महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर बताया गया, मगर बाद में अब्दुल अजीज के बयान से सूरत हाल वाजी हुई कि उन्हें एक मिनी बस ने टक्कर मारी। बोर्ड बेसन पुलिस के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा पेश आया वहाँ CCTV कैमरों की कवरेज नहीं।